हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री जीके के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग 15 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 15वां चैप्टर था मानव निर्मित पदार्थ। ठीक है, याद रखिए जितने भी रसायन विज्ञान से संबंधित हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किए हैं वो जनरल साइंस के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। इसमें बात करते हैं 16वें में विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या क्या होती है? 10^-7 सेंटीमीटर से कम। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? जल को। किसी निश्चित ताप पर बना विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। किसी द्रव में गैसों की विलेयता पर ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलयन की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन का सांद्रण। ठीक है, जिस विलयन में विलेय को पर्याप्त मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। जब विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परिक्षेपण। अब यही बात कर लेते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। ये मिश्रक के घटक हैं, ये समांगी मिश्रण है, ये विषमांगी मिश्रण है। जैसे ठोस ठोस एक कांसा पीतल सिक्का समांगी मिश्रण है, और विषमांगी है चीनी नमक का घोल गन पाउडर। ठोस द्रव सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मिट्टी व पानी, रेत एवं पानी, नमक व तेल। ठोस गैस आयोडीन वाष्प एवं वायु धुआं। द्रव ठोस अम्लगम चारकोल में अवशेषित ब्रोमीन। द्रव द्रव जल एल्कोहल एल्कोहल ब्रेंजीन। अमिश्रित द्रव तेल व जल ब्रेंजीन जल। फिर मिश्रण के घटक के हैं, द्रव गैस समांगी मिश्रण है नम वायु, और विषमांगी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं जल जल अलग। ठीक, गैस ठोस वायु में सीमा, वायु में सीसा तालाब झील आदि में विषमांगी है। गैस द्रव कोल्ड रंग चारकोल एवं क्लोरीन। फिर मिश्रण के घटक गैस गैस वायुमंडलीय वायु, और विषमांगी में है मिट्टी व चीनी। मिश्र धातुएं उनके उपयोग, जैसे ये मिश्र धातु है ब्रास पीतल, इसमें संघटक है तांबा 60-80% और जस्ता है 40-20%। ठीक है, इसका उपयोग होता है बर्तन बिजली का सामान बनाने में। कांसा तांबा और टिन, सिक्का मूर्ति बर्तन बनाने में, स्टील लोहा कार्बन, जहाज या यातायात के साधन, भवन निर्माण सामग्री गन पाउडर, तांबा टिन जस्ता, मशीन पुर्जे बंदूकें बनाने में। ठीक है, फिर एक किंतिम सोना, इसमें तांबा और एल्यूमिनियम मिलाया जाता है आभूषण बनाने में। सोल्डर सीसा और टिन मिलाया जाता है, इसमें जोड़ने के काम आता है। नाइक्रोम निकेल फेरस क्रोमियम मिलाया जाता है विद्युत रोधा प्रतिरोधक के काम आता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें फेरस क्रोमियम मैग्नीज कार्बन में लाया जाता है बर्तन सजावटी सामान बनाने के लिए। कॉन्स्टेंटन तांबा और निकल मिला रहता है, इसमें प्रतिरोध वक्स थर्मो कपल आदि बनाने में। डेल्टा धातु तांबा जस्ता लोहा मिलाया जाता है बैंग कपाट तथा जलयानों के पंखे बनाने में। डच धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है सस्ते आभूषण बनाने में। डूरेलुमिन एल्यूमिनियम तांबा मैग्नीशियम मैग्नीज मिलाया जाता है, इसमें वायु यानी कि कुछ भाग बनाने में इसका उपयोग। गन धातु तांबा टिन जस्ता मिला रहता है, इसमें
गियर तथा बेयरिंग आदि बनाने में। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकल मिला रहता है इसमें। विद्युत प्रतिरोध घरेलू बर्तन कलात्मक सामग्री बनाने मैग्नीलियम एलुमिनियम और मैग्नीशियम रहता है इसमें। तुलाएं और हल्के औजार बनाने में मोनल धातु तांबा निकल लोहा मिला रहता है इसमें। चादने तारों सामान रखने के पात आदि बनाने में ठीक। फिर मोंच धातु 60% तांबा इसमें और 40% जस्ता। नाव की तख्ता जड़ाई में इसका उपयोग। प्यूटर 75 टिन और 25 सीसा। घरेलू बर्तन बनाने में फिर फॉस्फोरस बॉन्ड तांबा टिन फॉस्फोरस इसमें। गियर वेयरिंग स्प्रिंग आदि बनाने टांका टिन और सीसा से मिलता बनता है। धातुओं में टंका लगाने के काम होता है टांका। जंगरोधी इस्पात लोहा क्रोमियम निकिल कार्बन से मिलकर बनता है। मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में मुद्रा धातु सीसा टिन एंटी मनी छापे खाने की टाइप बनाने में। टंगस्टन इस्पात लोहा टंगस्टन कार्बन से मिलकर बनता है। मशीन औजार बनाने में जिनमें तेज दृढ़ काटने वाली धार होती है। बोर्ड्स धातु कैडमियम टिन सीसा विस्मत इसका उपयोग धातु पैटर्न डायफ्राम आदि बनाने में। अब बात कर लेते हैं कुछ विलेय प्रमुख विलेय और उनके विलायक विलेय। ये विलायक हो गए और विलेय पदार्थ हो गए। जल सर्वोत्तम विलायक है। इसमें चीनी नमक सोडा नौसादर अमोनिया लवण ईथर मोम तेल चर्बी नेप्ता रबड़ एल्कोहल कपूर चमड़ा लाख आयोडीन वर्निश पॉलिश कार्बन टेट्राक्लोराइड वसा घी तेल मोम कार्बन डाइसल्फाइड फॉस्फिरस गंधक तारपीन का तेल फेंट और रिजिन। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है क्या कहलाते हैं कोलाइड। कोलाइड विलयन में प्रकाश के विकिरण को क्या कहते हैं टेंडल प्रभाव। कोहरा क्या होता है गैस द्रव व बादल का कोलाइडी विलयन। जब कोई द्रव किसी ठोस परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह क्या कहलाता है जेल। क्या कहलाता है जेल ठीक है याद रखिए जेल कहलाता है। आगे बात करते हैं अतिचालकता व संक्रमण ताप। डच भौतिकी शास्त्री एच कामरलिंग ओहनेस जब निम्न ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध माप रहे थे तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 4.12 ताप पर पारे का प्रतिरोध लुप्त हो गया। इस ताप पर ठंडे किए गए पारे के किसी वलय में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह देखा गया कि धारा बिना किसी क्षय के दीर्घ अवधि तक प्रवाहित होती रही। धातुओं के विद्युत प्रतिरोध के इस प्रकार लुप्त होने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। ऐसी धातुओं को अतिचालकता कहते हैं। आज तक 23 धातुओं में यह गुण पाया जा चुका है। इनमें से प्रत्येक धातु किसी विशेष तार पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती है। इस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं। कुछ धातुओं के संक्रमण ताप इस प्रकार हैं जिंक के 0.69 सीसे के 7.76 वेनेडियम के 4.3 और नियोबियम के 9.22 थी। मक्खन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है जेल। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह क्या कहलाता है सॉल ठीक। ऐसे विलयन जो जैविक झिल्ली से होकर गमन नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघटन का विलयन थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त अवक्षेप बना लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है स्पंदन। जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो क्या कहलाता है फायस। फिर दूस किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है फायस ठीक।
बात करते हैं विभिन्न कोलाइडी तंत्र व एवं उनके उदाहरण। ये परिक्षेपित प्रावस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम है, ये कोलाइडी विलयन का प्रकार है, ये उदाहरण है। ठोस 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 सॉल, ठीक है, रंगीन कांच, रंगीन पत्थर आदि बनावे। ठोस परिक्षेपण है, द्रव सॉल, स्टार्च प्रोटीन आर्सेनिक सल्फाइड। विलयन सर्ड विलयन, गिलू भारतीय स्याही, गंदला जल प्रिंट आदि बनाने में। ठोस ग्रस एरोसोल, धुआं धूल, ठीक है, देख लीजिए। फिर ठोस गैस एरोसोल, धुआं धूल, ठीक है, द्रव द्रव पायस, दूध क्रीम, लीवर तेल आदि। आगे बात करते हैं हम लोग, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण समान होता है, क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों से अधिक हो, क्या कहलाता है, अम्लीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं, क्षारीय विलयन। कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों का अपने क्रिस्टलीय जल को वायुमंडल में निकालकर चूर्ण रूप में परिवर्तित होने का गुण क्या कहलाता है, फिर स्फुटन। कुछ ठोस पदार्थ टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, एक गुण क्या कहलाते हैं, अगाध वर्धनीयता। वायुमंडल की नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या है, आद्यता ग्रहिता। पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल का विरोध कर पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थता। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते, क्या कहलाते हैं, लचीलापन, ठीक। तो ये था हमारा 16वां चैप्टर, बात करेंगे अगले में पर्यावरण रसायन के विज्ञान, पर्यावरण रसायन के बारे में, ठीक।